Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज की रेसिपी कर्नाटका की पारंपरिक रेसिपी नचमुंडे, जो नाश्ते में काफ़ी फेमस रेसिपी है. जी हाँ, ये बेंगलोर और मैसूर में काफ़ी प्रसिद्ध रेसिपी में से है. इसमें कई तरह की दालों का इस्तेमाल किया जाता है. ये काफ़ी प्रोटीन और हेल्दी रेसिपी है. जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी, और ख़ास तौर पे बच्चे हों या बड़े, ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है. स्टीम के जरिए ये तैयार की जाती है. तो आइए इस रेसिपी को हम पारंपरिक तरीके से किस तरह से वहाँ तैयार किया जाता है देख लेते हैं इनमें पड़ने वाला सामान. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे मूंग की दाल ले लिया है, ये हमारे आधी कटोरी है. उसी तरह से उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल हमने आधी कटोरी लिया है. अरहर की दाल आधी कटोरी, चने की दाल आधी कटोरी, और इसके साथ चावल, जो रेगुलर हम लोग चावल खाते हैं वो चावल राइस जाएगा आधा कटोरी. ये चार तरह के दालों से मिला करके बेंगलोर और मैसूर की काफ़ी फेमस कर्नाटक की ये रेसिपी है, और इसे खास तौर पे नाग पंचमी में बना के खाया जाता है. आप चाहें इसे नाश्ते के तौर पे कभी भी किसी भी वक्त इसको बना करके खा सकते हैं. और इसे हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है, और बाउल में हमें ये सारी दालें हमें डाल लेनी है. मैंने इसमें तुअर की दाल डाला, और इसमें हमें उड़द की दाल डाल लेनी है, और इसी तरह से मूंग की दाल डाल लेंगे, चने की दाल डाल लेंगे, और इसमें चावल डाल लेंगे, और इन्हें हमें काफ़ी अच्छे से इन्हें धुल लेना है. चावल और दाल, जितनी भी तरह की आप दाल लेंगे इसमें, आप दाल को अच्छे से क्लीन कर लें. उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर हो आप उसको साफ कर लें, और साफ करने के बाद इस तरह से कई पानी से हमें धुल लेना है. और धुलने के बाद हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो देना है ताकि चावल और सारी दालें हमारी अच्छे से नरम हो जाए. इस तरह से ये चावल और सारी दालें हमारी धुल गई हैं. अब इन्हें हमें अच्छे से पानी में हमें इनको भिगो देना है, और भिगोने के बाद 2 से 3 घंटे हमें इनको हमें भिगो देना है ताकि ये सारी दालें और चावल हमारी नरम हो जाए. फिर आगे का हम इसका प्रोसेस करेंगे. तो आइए इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं. 2 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से नरम हो गई है. 2 घंटे में काफ़ी अच्छे से ये देखिए नरम हो गई है. आसानी से ये हमारी दालें टूट जा रही हैं. अब इनका पानी हमें ड्रेन कर लेना है. अच्छे से इसका पानी हमें ड्रेन कर लेना है, और मिक्सी ग्राइंडर में हमें इसे डाल लेना है. और एक दरदरा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है. समझ लीजिए बीच बीच में मिक्सी आपको चलानी है और बंद कर देना है. सिर्फ इन दालों को और चावल को हल्का सा हमें इसको क्रश कर लेना है ताकि ये मोटा मोटा दरदरा रहे, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है. और इसको पीसने में हमने यहाँ पे 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके स्लाइस कर लिया है, वो डाल देंगे, और 4 से 5 इसमें लहसुन की कलियाँ डाल देंगे. अगर आप लहसुन की नहीं पसंद करते हैं तो आप ना डालें, स्किप कर लें. और इसको बिना पानी डाले ही हमें दरदरा पीसना है. तो आइए इसको हम पीस लेते हैं. पीसे चलाएंगे और फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऊपर से नीचे, एक बार फिर चला लेंगे इसको, फिर एक बार खोल करके देख लेंगे, और ऊपर से नीचे हमें इसको मिक्स कर देना है, और एक बार हमें और इसको चला लेना है. पानी इसको इसमें नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसको पीसने में हमें पानी का इस्तेमाल एकदम नहीं करना है. दाल कुछ हमारा इस तरह से पीस करके हो गया है. ये ज़्यादा महीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये मोटा नहीं है. इस तरह से ये इस तरह से दरदरे फॉर्म में हमें रखना है, तभी इसका टेस्ट आएगा खाने में. ये कर्नाटका की नचमुंडा रेसिपी है. ये खास तौर पे इसको दरदरा ही रखते हैं, तभी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है.
अब इसे हमें एक बाउल में डाल लेना है। दालें हमारी पिस गई हैं। अब इसमें हमें ताजा नारियल ले लेंगे और इसका ब्राउन वाला जो पार्ट है उसको हटा लेंगे और व्हाइट वाले पार्ट को काफी महीन हमें काट लेना है और उसे डाल देंगे। आप अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नारियल का क्वांटिटी डालेंगे। इसका फ्लेवर, नारियल का फ्लेवर ये नचमंडों में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे जरूर डालें, खासतौर पे फ्रेश नारियल। किसी वजह से अगर आपको फ्रेश नारियल नहीं मिलता है तो आप ड्राई नारियल को भी 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिंगा दें और काफ़ी महीन इसको मिक्सी ग्राइंडर में कर दें। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ताज़ा नारियल महीन कटा हुआ डाला है और इसके अलावा 1/4 इसमें हींग जाएगा। ये कर्नाटका की काफ़ी फेमस रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें कई तरह की दालें का इस्तेमाल होता है और इसे हम स्टीम से तैयार करते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए भी और काफ़ी टेस्टी होता है। इसमें नारियल और हमने इसमें हींग डाला है 1/4 स्पून। इसमें कड़ी पत्ता जाएगा महीन कटा हुआ। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च जाएगी। हरी मिर्च का टेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी रखें। इसके अलावा इसमें लाल मिर्च महीन पतली पतली स्ट्रिप में कटी हुई ये जाएगा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो आप ज़रूर इसको डालें, इससे टेस्ट इसका अच्छा आता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें हरी धनिया जाएगा। हरी धनिया की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाती है, आप चाहें इससे ज़्यादा लें और चाहें आप तो इसमें सोया आता है सर्दियों में, सोए की पत्ती को भी महीन काट करके डालते हैं, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, वो इसमें जाएगा। और इसमें आधा नींबू का रस जाएगा और इसके अलावा कुछ इसमें मसाले जाएंगे। मसालों में हमें सबसे पहले हमें इसमें कसूरी मेथी लेना है, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। जीरा डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच, हमने इसमें खड़ा जीरा डाला है। नमक 1/2 चम्मच, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, जितना आपको पसंद है तो उसके हिसाब से आप इसमें नमक डालें। और इसी में मिर्च जाएगी और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक मैं नारियल की चटनी बनाना बताऊंगी, ये नाश्ते के साथ काफ़ी मज़ा आता है। इसे त्योहारों में कर्नाटका में, मैसूर में, बेंगलोर में त्योहारों में तो बनाते ही हैं, साथ में आप कभी भी किसी भी टाइम आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब हमें जिस भी बर्तन में इसको स्टीम करना है उस बर्तन को हमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ऑयल से हमें इसको ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद हमें एक स्टीमर में हमें पानी रख लेना है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें पानी डाल करके एक स्टैंड रख दिया है ताकि मैं ये इसमें बनाकर रखूँगी तो इसको इस पर रख के स्टीम करूँगी। तो इसे हमें गैस पे रख लेना है ताकि हमारा पानी अच्छे से इसमें स्टीम बन जाए। मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। काफ़ी फटाफट बनने वाली ये हेल्दी रेसिपी है और दालें, बहुत बच्चे दालें तो नहीं खाते हैं लेकिन आप स्नैक्स के तौर पे कुछ भी बना के दीजिए तो आप चाहें तो इसमें कई तरह की और भी दालें मिक्स कर सकते हैं। बस इनको पीसने में ध्यान रखना है, दाल को हमें भींगे हुए दाल और चावल को क्रश करना है, हमें इसको पीसना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, दरदरा रहेगा। अब हमें इस स्टेज पे हमें ये सारा मिक्स करने के बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और मिर्च देख लें क्योंकि नमक और मिर्च थोड़ा सा बराबर में रहेगा तभी मज़ा आएगा खाने में। आप इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। हमने यहाँ पे खड़ा जीरा डाला है, नमक, मिर्च और हींग हमने डाला है। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इस तरह से हमें अपने हाथों से इस साइज में बना लेना है, जिस तरह से एक छोटा सा एग होता है उसी साइज में बनाएं या फिर आपको जो भी अच्छा लगता हो, लेकिन ज्यादातर इस तरह से इस साइज में बनाते हैं। ये फटाफट बनने वाला नाश्ता है, आप चाहें तो इसको रात में तैयार करके दालों को रख लें और सुबह उठे बच्चों के लिए लंच में भी, टिफिन में भी बना सकते हैं और आप लंच में भी दे सकते हैं इसको।
चटनी के साथ आप सर्व करें या बच्चा आप सॉस के साथ सर्व खाना चाहता है ज्यादातर, लेकिन ये देसी घी के और चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। ट्रेडिशनली ये देसी घी के साथ ही सर्व किया जाता है। एक साइड में आप कटोरी में देसी घी रखेंगे और दूसरे साइड में आप नारियल की चटनी रखेंगे। ये बच्चे बड़े सभी के लिए काफी हेल्दी है। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। अब स्टीम के लिए हमें कढ़ाई में रख लेना है, तो आइए स्टीम के लिए हम इसे कढ़ाई में रख देते हैं। पानी हमारा बॉइलिंग स्टेज पे आ गया है। अब इस प्लेट को हमें धीमे से रख देना है और 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे कवर कर देना है और 10 मिनट के बाद हमें इसे चेक करेंगे कि मेरा चुंडा हुआ है कि नहीं। तो आइए 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है और जब तक ये हमारा हो रहा है चुंडा, हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। आइए मैं आपको चटनी बनाना बताती हूँ। नाश्ते के साथ खाने के लिए नारियल की चटनी काफ़ी मज़ेदार लगती है। इसके लिए हमने फ्रेश नारियल लिया है, इसको महीन महीन काट लिया है और इसके साथ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालेंगे। हमें यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है। इसके साथ हरी धनिया चाहिएगा, लहसुन की कलियाँ 4 हमने लिया है डालेंगे और इसके अलावा इमली जाएगा। इमली के बीजे निकाल करके आप इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी मिक्सी का जार खराब हो जाएगा और चटनी का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इमली डालने से पहले आप देख लें उसमें बीजे तो नहीं है, ये डाल देंगे इसमें और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालेंगे। हम यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं और इसके अलावा इसमें 2 से 3 चम्मच पानी जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, अपनी चटनी की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। इन्हें हमें पीस लेना है। आइए मैं इसे पीस करके दिखाती हूँ आपको। चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हमें निकाल लेना है। इसका टेस्ट काफ़ी मज़ेदार होता है। आप इस रेसिपी के साथ नाश्ते के साथ ये नारियल की चटनी जरूर बनाएं। और इधर हमारा नाश्ता 5 से 6 मिनट में नाश्ता भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है इसको स्टीम होते हुए, खोल करके देख लेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारा नाश्ता हुआ है कि नहीं, पका है कि नहीं। इसको करने के लिए आप एक वुडन स्टिक ले लें या फिर आप नाइफ ले लें और इसको इस तरह से डाल करके देखेंगे। अगर ये क्लीन निकल रहा है तो समझ लीजिए ये आपका स्टीम के जरिए पक गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 10 मिनट में हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए हमें इसमें छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद हमें इससे निकाल लेना है और गर्मा गर्म हमें सर्व करना है अपनी मनपसंद चटनी के साथ। आप चाहे नारियल की चटनी के साथ इसको सर्व करें या फिर जो भी बच्चों की फेवरेट आपकी चटनी हो आप उससे सर्व करें। तो आइए इसे 2 मिनट के बाद हम सर्व करने के लिए निकालते हैं। प्रोटीन से भरा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें। इनका टेस्ट काफ़ी मज़े का है। दालों का दरदरा टेक्सचर और साथ में हरी धनिया और नारियल की चटनी का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को और भी मज़ेदार बना रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताएं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आप सभी के प्यार से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी दे सकूँ, इसलिए आप हमें कमेंट्स अपना ज़रूर दें क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। और इसी तरह से हमारे हंगरी स्पून चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें और सपोर्ट देते रहें अपना। आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.